जय सियाराम। मेरी ओर से आप समस्त देशवासियों को, भगवत भक्तों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जगत जननी जगदम्बा पराम्बा माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्र प्रारंभ हो चुका है और आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। पांचवें दिन भगवती के स्कंद माता स्वरूप का हम पूजन करते हैं। नौ दिनों में भगवती के नौ रूपों का पूजन किया जाता है। जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं, प्रथमम शैलपुत्री चो, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चो, सप्तमम कालरात्रेति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चो, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नवरात्रि में नौ दिनों तक विशेष रूप से माँ भवानी का पूजन किया जाता है। वैसे तो हर दिन माँ की पूजन का है, भगवती की पूजन का है, लेकिन नवरात्रि के इन नौ दिनों में भगवती की आराधना करने का विशेष फल हमें मिलता है। इन नवरात्रि के नौ दिनों को साधना काल कहते हैं। नवरात्रि में दिन में तो साधना की ही जाती है, लेकिन रात्रि में साधना का विशेष फल प्राप्त होता है। भगवती का पूजन किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वर्ष में चार नवरात्रे आते हैं, दो गुप्त दो जागृत। गुप्त के विषय में ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन जागृत नवरात्रि के विषय में हम सभी जानते हैं। पहली नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होती है, जिसे हम चैत्र नवरात्र या वासंतेय नवरात्र कहते हैं। दूसरी नवरात्रि प्रारंभ होती है आश्विन मास कुंवार का महीना जो अभी चल रहा है, जिसे हम शारदीय नवरात्र कहते हैं। नवरात्रि में माँ जगदम्बा के नौ रूपों का भक्तजन बड़े भाव से ध्यान करते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता। इस तरह से नौ दिनों तक भगवती के नौ स्वरूपों का हम ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। देखिए, माँ का पूजन करना चाहिए और देवी माँ तो हैं ही, भगवती तो हैं ही, लेकिन हमारे घर में जो माँ हैं हम उनका भी सम्मान करें। हमारे घर में जो कन्या हैं हम उन्हें भी देवी स्वरूप मान करके ही पूजें। और केवल घर में ही नहीं, आसपास में भी जो माँ हैं, जो कन्या हैं या जो बेटियाँ हैं, उन्हें हम एक अच्छे नज़रिए से देखें। यही भगवती की सबसे बड़ी आराधना है। भगवती की आराधना का काल चल रहा है। इन नवरात्रि के नौ दिनों को साधना काल कहते हैं। इन नौ दिनों में साधक बड़ी क्लिष्ट साधना करके भगवती को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, नवरात्रि के नौ दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। साधना काल कहलाता है। दिन में तो साधना होती ही है, नवरात्रि में रात्रि में जाग करके जो श्रेष्ठ साधक हैं वो साधना करते हैं और साधना करके जगदम्बा को, भगवती को, पराम्बा को प्रसन्न करते हैं। हर दिन भगवती की प्रार्थना का है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नौ दिनों में आप पूजन करें,
हर दिन माँ का पूजन होता है, लेकिन इन 9 दिनों में विशेष कृपा जगदम्बा की हमारे ऊपर, हम सभी के ऊपर होती है। भगवती हमारे बीच में विराजमान रहती हैं, घरों में घट स्थापन किए जाते हैं, जवारे की स्थापना की जाती है, साथ ही साथ अखंड ज्योत भगवती के नाम से जलाए जाते हैं, कन्या पूजन किया जाता है और भगवती को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाता है। इन सभी प्रकारों से हम भगवती को प्रसन्न तो करें ही, साथ में मैं आप सभी से यह भी कहूँगी कि हर देवी का, हर स्त्री का, हर माँ का, हर बेटी का सम्मान करें, क्योंकि किसी ना किसी रूप में एक कन्या में, एक बेटी में भी वही भगवती का स्वरूप है, उन्हीं की कृपा है, तो उनका सम्मान करें, साथ ही साथ भगवती की आराधना करें। भगवती अति शीघ्र प्रसन्न होकर के आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाएंगी। आप समस्त देशवासियों को मेरी ओर से पुनः शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।